नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोरोना ने देश में तबाही मचा रखी है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,68,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिससे सरकारों की नींद हराम हो रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की ये रफ्तार लोगों को अब डराने लगी है। 29 दिसंबर तक जो कोरोना के मामले 10,000 से नीचे हुआ करते थे, अब हर रोज वो आंकड़े 1.5 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,68,063 कोरोना के मामले सामने आए। हालांकि ये आंकड़े सोमवार को सामने आए इन आंकड़ों से कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए, तो 277 लोगों की इस महामारी ने जान ले ली, जिसके बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 8,21,446 हो गई है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 10.64% तक हो गया है। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट देखते ही देखते महज 1.5 महीने में लगभग पूरे देश में फैल गया है और कोरोना को नई ऊर्जा प्रदान कर दी है, जिस कारण विश्व में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। वहीं भारत में इस नए वेरिएंट से 4,461 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। ये महामारी कितनी भयानक होती जा रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में मुंबई में 120 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं एक पुलिसकर्मी की इससे मौत हो गई। कोरोना की इस रफ्तार से पूरे विश्व को डरा रखा है, जिस कारण विश्व के ज्यादातर देशों ने सख्ती शुरू कर दी है। भारत में भी कोरोना की इस रफ्तार के कारण सख्ती बरती जा रही है। सावधानियों के तौर पर हरिद्वार के हर की पौड़ी के घाट पर 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के स्नान को लेकर एंट्री बैन कर दी गई है। 13 जनवरी की रात से 10 बजे से 15 जनवरी की सुबह 6 बजे तक हरिद्वार में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूल, कॉलेज और सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को बंद कर वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है, लेकिन राजधानी में लॉकडाउन कोरोना के कारण नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण लगाना पड़ा। अगर सीएम केजरीवाल प्रदेश में रहकर दिल्ली वासियों की चिंता करते सरकार की तरफ से पहले की जरूरी सावधानियां बरती जाती, तो शायद राजधानी में हालत दूसरी होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव में व्यस्त रहे और सरकार की लापरवाहियों का नतीजा है कि दिल्ली वासियों को एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। इस महामारी को मात देने के लिए हम सभी के पास एक ही हथियार है, वो है वैक्सीनेशन। इस महामारी से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में सरकार की तरफ से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगना शुरू हो जाएगी और अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। ये महामारी कितनी भयानक होती जा रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही भारत की फेमस गायिका लता मंगेशकर भी इस महामारी की चपेट में आ चुकी है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए जरूरी है कि हम सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें, सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, तभी इस महामारी को मात देकर हम आगे बढ़ पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।